हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उषा और बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के पराठे और वेजिटेबल रायता। मेथी के पराठे बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं तरीका बता रही हूं, अगर आप इस तरीके से मेथी के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे फटेंगे नहीं, क्रंची बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं मेथी के पराठे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें क्या चाहिए इसके लिए। मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप आटा, ऑयल लिया है जो हमें मेथी के पराठों को सेकने के लिए चाहिएगा, और 1/3 कप मैंने मेथी ली है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये है 1/3 कप बेसन, और फुल क्रीम दूध लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून धनिया लिया है हरा, इसको साफ़ करके मैंने बारीक काट लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक को पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने भुना हुए जीरे का पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें से लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, और 2 से 3 पिंच मैंने यहाँ पर हल्दी ली है और नमक स्वाद अनुसार लिया है। आटे और बेसन को हम छान लेंगे दोनों को अच्छे से एक बार। इसकी जो लंप हैं वो हम अलग कर लेंगे, इसके लंप हमने अलग कर दिए हैं। इसमें हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, मेथी, हल्दी, जीरा पाउडर, साबुत जीरा और लाल मिर्च, और यहाँ पर मैं थोड़ा सौंफ भी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। 1/4 टीस्पून मैंने सौंफ डाला है और नमक स्वाद अनुसार। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ, मोइन के लिए हम ऑयल भी डालते हैं लेकिन ऑयल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम दूध से ही आटा लगाएंगे, और फुल क्रीम दूध से आटा लगाने का एक फ़ायदा ये है क्योंकि जब हम पराठे बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे सा क्रंच आ जाएगा, और हम आटा एकदम टाइट लगाएंगे। दूध से हम आटा लगा लेते हैं, आटा हमें सख्त लगाना है थोड़ा। आटा हम सख्त लगाएंगे क्योंकि हमें इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रखना है, और जो इसमें हमने मेथी और धनिया डाली है तो ये जो हरी सब्जियां होती है ये वाटर कंटेन करती हैं साथ में, और इस वजह से इसमें जब ये हम रखेंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए तो इसमें से पानी छूटेगा और ये आटा हमारा और लूज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि आटे को थोड़ा टाइट लगाना है। आटा हमें सख्त लगाना है, थोड़ा रोटी का आटा जो हम लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त लगेगा ये आटा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सख्त आटा लगाया है मैंने। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक आटा हमारा सेट होता है हम रायता बना लेते हैं, वेजिटेबल रायता। और इसके लिए मैंने 2 कप दही लिया है। वेजिटेबल रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, इसको मैंने धो के साफ कर लिया है, और 1 खीरा लिया है छोटा, और 1 टमाटर लिया है, और 2 मीडियम प्याज लिए हैं। 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिए हैं, अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर दें। और 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ जीरा लिया है और नमक लिया है स्वादानुसार। सारे वेजिटेबल को अब हम कट कर लेते हैं, और जो टमाटर के अंदर का पल्प वाला भाग है, बीज वाला हिस्सा है, उसको हम काट करके अलग कर लेंगे। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, टमाटर के बीज हटा करके इसको भी बारीक काट लिया है, खीरे को, और धनिया और हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। अब हम रायता बनाते हैं। दही को विस्कर से अच्छे से हम फेंट लेते हैं। सारी सब्जियां अब हम इसमें मिला लेते हैं। ये हरी मिर्च है, अगर आप हरी मिर्च जैसे कच्चा नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये प्याज है,
खीरा और टमाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर। हाँ, तो वेजिटेबल रायता, हेल्दी रायता आप तैयार है पराठों के साथ खाने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ा धनिया मैंने रखा है, बाद में हम गार्निशिंग करेंगे रायते की। अब हम पराठे बनाते हैं। आटा हमारा सेट हो चुका है, चलिए अब हम देख लेते हैं। आटा रेडी है पराठे बनाने के लिए, इसके हम छोटे छोटे गोलियां बना लेते हैं। आटे की बॉल्स मैंने बना के रेडी कर लिया है, अब हम पराठे बेलते हैं और उन्हें सेक लेते हैं। पराठे हम बेल लेते हैं। आप देख रहे हैं जब हमने सख्त आटा लगाया था इसकी वजह से इसकी जो पराठा है ये फट नहीं रहा है, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है अगर हम आटा गीला लगाते हैं तो वो चिपकता है या फिर पराठा इसका फटने लग जाता है, पूरी इसकी फटने लग जाती है। पराठे हमने बेल लिए हैं, अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तवे को थोड़ा मैं ऑयल लगा करके और ग्रीस कर लेती हूँ और टिश्यू से इसको क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि तवे में हमारे पराठे चिपकेंगे नहीं। थोड़ा सिकने के बाद इसको हम पलट देते हैं, पलट लेते हैं इसको। दूसरी तरफ भी ऑयल लगा करके और इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम प्रेस करके सेक लेते हैं। पराठे थोड़े से अच्छे कड़क हों तभी अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्रंच आया है इसमें। इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे सेक लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मेथी के पराठे तैयार हैं डबल रायते के साथ, तो आप बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।